ओलिगो थर्मल, तो ये बायोलॉजी की कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो इनको हम जानते हैं। ओलिगो थर्मल किसको कहते हैं? द लो टेम्परेचर टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव कम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब ठंडी, ज़्यादा ठंडेपन को टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, सह सकते हैं, उनको ओलिगो थर्मल कहा जाता है। पॉली थर्मल, द हाई टेम्परेचर टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो ज़्यादा टेम्परेचर को जो है टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, गर्मी को महसूस कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको पॉलीथर्मल कहते हैं। नेक्स्ट है यू थर्मल, ऑर्गेनिज्म्स दैट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर, मतलब वाइड और रेंज का मतलब है कि नॉर्मल एक होता है, एक खराब होता है, एक वर्स होता है, एक वर्सेन होता है, तो मतलब खराब से खराब कंडीशन के जो टेम्परेचर है वो बहुत माइनस में चले जाना, जिसको हम कह देते हैं, या कह सकते हैं बहुत हाई हो जाना, 50, 60, 70 डिग्री से ऐसे टेम्परेचर हाई हो जाना या माइनस में चले जाना, तो उसको भी वो टॉलरेट कर रहे हैं, तो उनको यू थर्मल कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेनो थर्मल, तो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑफ विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो मतलब कुछ एक लिमिटेड टेम्परेचर को सह सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, वो 22-40 डिग्री सेल्सियस में ही रह सकता है, तो उसको हम स्टेनो थर्मल कहेंगे। मतलब उसके बाद अगर वो 20 से नीचे जाता है तो उसको प्रॉब्लम होगी, या 40 या 30-40 के ऊपर जाता है तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये एक नैरो रेंज में रहता है, मतलब ज़्यादा ना ही तो कम को सह पाएगा, ना ही तो बहुत ज़्यादा हाई को सह पाएगा, स्टेनो थर्मल के कंडीशन में आता है।